मैं मानता हूँ कि आप प्यारे प्यारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है। हालांकि अभी तक हमारी दो क्लासेस हुई हैं, आज ये हमारी थर्ड क्लास है, तो आइए थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं थर्ड क्लास को। दोस्तों बिल्कुल बेसिक से हम लोग समझेंगे, चीज़ें रटने के लिए नहीं है। कई बच्चों को लगता है कि भाई थ्योरी का मतलब है रट्टा मारो, ऐसा नहीं होता। ठीक है जी, थ्योरी को हम लोग समझ भी सकते हैं और मेरे हिसाब से हमें समझना भी चाहिए थ्योरी को। ठीक है जी, अभी तक मैं मानता हूं कि आप लोगों को अकाउंटिंग की डेफिनेशन रट गई होगी। आप में से जो बच्चा आज ज्वाइन कर रहा है बच्चे, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। मैंने लिंक्स वगैरह सब कुछ हमारे यूट्यूब में हमारी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, प्लीज़ आप लोग ज़रा जाके वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लीजिए, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है जी, तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन की बात करते हैं ज़रा। क्या थी अकाउंटिंग की डेफिनेशन, सुन रहा हूँ मैं ध्यान से। ठीक है जी, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हैं आप लोग दोस्तों, मैं सुन रहा हूँ आप लोग क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं ज़रा। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। ठीक है, मैं मानता हूँ ये डेफिनेशन आपको याद है, क्योंकि आज इस डेफिनेशन को, अच्छा हमने दूसरी क्लास में भी इस डेफिनेशन का यूज़ किया था हम लोगों ने, जब मैंने आपको प्रोसेस बताया था पूरा का पूरा, आज भी हम लोग इसको थोड़ा बहुत हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो अगर आप लोग को ये डेफिनेशन याद नहीं है, मिस हो गई थी क्लास, कोई बात नहीं, यूट्यूब में प्लेलिस्ट में हमारे चैनल में ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं दोस्तों। ठीक है जी, आइए उसके बाद दूसरी क्लास में हम लोगों ने करा था प्रोसेस। प्रोसेस में हम लोगों ने क्या करा था कि हमारे पास ट्रांजैक्शंस होते हैं और ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल इन नेचर होती है और नॉन फाइनेंशियल इन नेचर होती है। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग तो सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की हो सकती है बस। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग कहते हैं आइडेंटिफिकेशन, दैट वी हैव आइडेंटिफाइड आवर ट्रांजैक्शन दैट नीड टू बी रिकॉर्डेड। देन व्हाट डू वी डू, वी मेजर द ट्रांजैक्शंस, देन वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस, then we classify the transactions, then we summarize the transactions, then we do analysis and interpretation of the transactions, and last में हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। जो भी हमारे अकाउंटिंग के यूजर्स हैं हम लोग उनको कम्युनिकेट करते हैं दोस्तों, मतलब उन तक सारी की सारी ये जो भी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हैं उन तक पहुंचाते हैं। कम्युनिकेट हम लोग करते हैं दो प्रकार के लोगों के साथ, दो प्रकार के, चलो सब कुछ मैं थोड़ा ना बताऊंगा, अब आप लोग बताओगे वो दो प्रकार के यूजर्स कौन कौन से होते हैं है। जल्दी से YouTube एंड Zoom जल्दी बताओ, ये दो प्रकार के यूजर्स कौन कौन से होते हैं। एक आंसर आ गया है अमन चोपड़ा जी का, सबसे पहले जवाब आया है, उसके बाद नवीन का जवाब आया है, बस दो तीन बच्चों का ही जवाब आया है बस। ओके जी, 4, 5, 7, 8 बच्चे हो चुके हैं यहाँ पर YouTube में अभी तक किसी बच्चे का जवाब, एक बच्चे का जवाब आ गया है। वेरी गुड। एक होते हैं हमारे पास इंटरनल यूजर्स और एक होते हैं हमारे पास एक्सटर्नल यूजर्स। तो दो प्रकार के यूजर्स होते हैं हमारे पास, एक होते हैं हमारे पास इंटरनल यूजर्स और एक होते हैं हमारे पास एक्सटर्नल यूजर्स। जो यूजर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का है उसे हम लोग कहते हैं इंटरनल, और जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग होते हैं उसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल। ठीक है जी, इंटरनल सिर्फ तीन थे मैंने आपको बताया था, एक होते हैं एम्प्लॉयज, एक होता है owners, ओनर्स, और एक होता है हमारे पास मैनेजमेंट। ठीक है, ओनर और मैनेजमेंट के बीच में भी मैंने आपको डिफरेंस बताया था। ओनर होता है मालिक जो बिजनेस में पैसे लगाता है, मैनेजमेंट का मतलब होता है और मैनेजमेंट का मतलब होता है ऐसा, मतलब वो लोग जो उस ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली चलाते हैं उसे हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है जी, उसके अलावा बाकी कोई भी इंसान जो बाहर होता है ऑर्गेनाइजेशन के उसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल, उसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल के दोस्तों बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि बैंक्स,
ये आपके एक्सटर्नल यूजर्स हैं। ये सारी सारी बातें मैंने आपको सेकंड वीडियो में बता दी थी, ठीक है जी। एक बच्चे ने आंसर दिया गवर्नमेंट। चलिए दो चार जवाब और, चलो अब मैं ही आपको बता, अरे वाह कस्टमर सप्लायर्स, बिल्कुल सही, सप्लायर्स कस्टमर्स। दोस्तों मैं आपके साथ एक बातचीत शेयर करता हूं जरा, यस नाइट, ठीक है जी। मैं आप लोगों के साथ एक बातचीत शेयर करता हूँ, ज़रा ध्यान से समझिएगा। मेरे पास कुछ एक पेरेंट्स के और कुछ एक बच्चों के कॉल आते हैं, वो कहते हैं कि सर ये ऑनलाइन क्लास इंटरैक्टिव नहीं हो सकती। तो दोस्तों आप एक बात समझिए ज़रा, हमारी क्लासेस बिल्कुल इंटरैक्टिव हैं। आप लोग मुझे बिल्कुल वैसे ही आंसर कर रहे हैं जैसे क्लास में बच्चे आंसर करते हैं मुझे, तो ये बहुत अच्छी बात है। और डाउट्स भी भाई, अच्छा रियल में जब मैं क्लास लेता था ना, बच्चों के पास मेरा WhatsApp नंबर वगैरह नहीं था, तो उनको डाउट्स पूछने पड़ते थे क्लास के पहले। लेकिन आप लोग तो मुझसे कभी भी डाउट्स पूछ सकते हैं, तो इंटरेक्शन लेवल सब कुछ एकदम परफेक्ट है हमारा, ठीक है जी। बिल्कुल वैसी क्लास चल रही है जैसे हम लोग क्लास में चलाते हैं। दोस्तों कस्टमर्स हुए और भी बहुत सारे हमारे लोग हैं, वो मैं आपको धीरे धीरे करके बताता हूँ कि क्या क्या है। अब सीन ये है बच्चों की, मैं अब ये बताता हूँ कि असल में इन लोगों को किन अकाउंटिंग की जरूरत है। भाई आप, हम लोगों ने टॉपिक कैसे स्टार्ट किया कि हम लोग अकाउंटिंग को अपने यूजर्स को कम्युनिकेट करते हैं। हम लोग एक मिनट यूट्यूब वालों, चलिए एक मिनट यूट्यूब के बच्चे, जूम के बच्चे जो है वो कनेक्शन एरर हो गया है, एक मिनट रुकिए। YouTube वाले बच्चों सीन ये है कि Zoom में जो है, yes Zoom is not working right now, एक मिनट, एक काम करो अपना वो कर लो, अपना अपने डेटा से चलो, कॉल आएगा तो मैं काट दूंगा। हेलो, हेलो हेलो हेलो, सो इज एवरीवन देयर ऑन जूम? बेटे जूम में सारे बच्चे हैं, एक बार जरा अटेंडेंस दे दो अपनी। इज देयर एवरीवन ऑन जूम? यस सर, सर योर माइक इज म्यूटेड। ओ यस, ओके सॉरी सॉरी। Am I audible? All students come in YouTube. हाँ जी, जिसको YouTube में जाना है वो YouTube में जा सकता है। वैसे मैं Zoom में वापस आ चुका हूँ, एक बार अटेंडेंस दे दो। Is everyone there on Zoom? दो चार, दस बारह बच्चे बता दो, पार्टिसिपेंट्स तो तकरीबन दिख रहे हैं मुझे 25 के आसपास। चलिए जी, आई बिलीव यस 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 वी आर देयर, ओके फाइन लेट्स कंटिन्यू प्लीज। तो दोस्तों वेरी सॉरी टेक्निकल एरर, वी कांट डू एनीथिंग। चलिए जी, तो आइए समझते हैं जरा। तो दोस्तों जो मैं आपको फिलहाल बता रहा हूँ वो ये बता रहा हूँ कि जो भी हमारी अकाउंटिंग है, हम लोग क्या करते हैं, अपनी अकाउंटिंग को अल्टीमेट यूजर तक हम लोग देते हैं। हम लोग अब भाई जो भी यूजर है, जिसको भी हमारे अकाउंट्स को यूज करना है, हम लोग अपने सारे के सारे जो भी अकाउंटिंग है वो उस तक प्रोवाइड करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हमें अकाउंटिंग की जरूरत क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि यार रिलायंस की अकाउंटिंग है ये रख लो, आप कहोगे भाई मुझे क्या करना रिलायंस की अकाउंटिंग का? आप लोग कहोगे कि नहीं कहोगे? बिल्कुल कहोगे। लेकिन जो भी रिलायंस के एम्प्लॉयज हैं, क्या वो, क्या उनके लिए अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? हाँ दोस्तों अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है। और आइए समझते हैं जरा कि अकाउंटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे लोगों की जगह पर आप अपने आप को कंसिडर करके देखिएगा दोस्तों, ठीक है जी। मतलब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं,
ठीक है, और आप उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज हैं. लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन. आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं और आप उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयी हैं. ठीक है जी. तो आपके लिए बच्चों अकाउंटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाई डू यू वांट टू नो द अकाउंटिंग ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन? आप लोग एक जगह के एम्प्लॉयी हैं तो आप लोगों के लिए क्यों? एक बच्चे ने सैलरी, बिल्कुल सही जवाब, सैलरी के लिए है. वेरी गुड. ये सबसे बड़ा और सबसे ऑब्वियस आंसर है. क्या कुछ और भी है आप लोगों के दिमाग में? बच्चों के दिमाग में कुछ और भी चीज आ रही है? To get bonus, salary and job security. That's the point. Job security जो है वो बहुत important है. Very good, very good, very good. सब बच्चे एकदम सही जवाब दे रहे हैं. अब let me explain it दोस्तों. Let me explain it. आप लोग दो ऑर्गेनाइजेशन का मैं नाम ले रहा हूँ. नाम नहीं, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ. एक है ऑर्गेनाइजेशन ए, एक है ऑर्गेनाइजेशन बी. ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर लिख देता हूँ. एक है ऑर्गेनाइजेशन ए, आई बिलीव इट इज विजिबल टू एवरीवन, और एक है ऑर्गेनाइजेशन बी. ठीक है. ऑर्गेनाइजेशन ए के प्रॉफिट्स जो हैं वो काफी ज्यादा हैं. ऑर्गेनाइजेशन बी के जो प्रॉफिट्स हैं वो काफी कम हैं. ठीक है. ए अच्छा खासा प्रॉफिट कमाता है और बी प्रॉफिट नहीं कमाता है. ठीक है जी दोस्त. आपको ये दोनों कंपनीज सेम सैलरी ऑफर कर रही है. आप कौन सी कंपनी ज्वाइन करना चाहेंगे, ए या बी? कौन सी कंपनी ज्वाइन करना चाहोगे? बिल्कुल सही जवाब. जूम के कई बच्चे जवाब दे रहे हैं. बिल्कुल सही जवाब. यस, ए ही ए इज. इसका मतलब है कि ये हमेशा रहेगा बिकॉज देयर विल बी जॉब सिक्योरिटी एंड बोनस. एक्सलेंट आंसर दोस्तों, एक्सलेंट आंसर. ठीक है जी, बिल्कुल परफेक्ट जवाब है. तो इसीलिए एम्प्लॉयज क्या करते हैं, एम्प्लॉयज अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड रहते हैं. इसीलिए एम्प्लॉयज अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड रहते हैं दोस्तों. आइए बात करते हैं ओनर की. एक बात बताइए, आप ओनर हैं, आप ओनर हैं तो क्या आप अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड रहेंगे? हाँ भाई, आप ओनर हैं, आपको हर चीज देखनी पड़ेगी कि कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितना लॉस है, क्या सारा का सारा काम ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा, क्या एम्प्लॉयज को सैलरी प्रॉपरली दे रहे हैं नहीं दे रहे. आप लोगों को तो हर चीज कंसिडर करनी है ना. तो यस, ओनर्स को तो सब चीजें चाहिए. एंड सिमिलरली मैनेजमेंट, इवन मैनेजमेंट नीड टू नो everything, even management need to know everything because management are the people who will take the organization together, जो पूरे organization को एक साथ आगे लेकर चलेगा दोस्तों. तो yes, owners और management, क्योंकि ये बहुत integral और बहुत important part है, तो उनको तो हर चीज पता ही होनी चाहिए. ठीक है. अब बात करते हैं एक्सटर्नल की. इंटरनल वाले तो ऑब्वियस थे, एक्सटर्नल की बात करते हैं जरा. और एक बात बताओ, पहले बात करते हैं गवर्नमेंट की. गवर्नमेंट क्यों देखना चाहती है यार? गवर्नमेंट को क्या इंटरेस्ट है आपके अकाउंटिंग से? एंड द आंसर इज, सही जवाब, टैक्सेस. गवर्नमेंट को आपके बिजनेस से कुछ नहीं लेना देना. गवर्नमेंट को बस एक चीज देखना है, आप कितना प्रॉफिट कमाते हैं, और जितना भी आप प्रॉफिट कमाते हैं क्या उसके हिसाब से आप टैक्स पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. टैक्सेस भी दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. जैसे इनकम टैक्स जो है वो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, और जीएसटी वगैरह आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है. तो गवर्नमेंट ये चीज चेक करती है कि आप लोग जो है डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस या एनी टाइप ऑफ टैक्सेस क्या आप लोग प्रॉपरली पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. इज दिस क्लियर दोस्तों? एक्सीलेंट. अगली बात ये है दोस्तों, आइए जरा और आगे बढ़ते हैं. अगली बात ये है बैंक्स. भाई बैंक आपकी अकाउंटिंग में क्यों लेगा लोन्स? आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों. बिल्कुल सही जवाब, लोन्स बिल्कुल सही है सर, सो दैट दे कैन प्रोवाइड लोन्स एंड बैंक. बिल्कुल सही जवाब. आइए जरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कैसे. दोस्तों मैं आपको बोल दूं, मैं श्रीनिवास हूं और मैं आपको बोल रहा हूं कि आप बैंक हैं, ठीक है जी, और मैं आपको बोल रहा हूं कि भैया मुझे लोन दे दो, मुझे 10 लाख रुपए दे दो. तो आप क्या ये बोलोगे, ओए होए श्रीनिवास जी आ गए हैं और ये लो श्रीनिवास जी 10 लाख रुपए? क्या आप ऐसे बोलोगे? नहीं.
आप बोलोगे कि भैया इसका क्या प्रूफ है, इसका क्या प्रूफ है कि तू 10 लाख रुपए लेकर मुझे ढंग से रीपे करेगा, इसका क्या प्रूफ है? क्या प्रूफ है? मेरी इनकम स्टेटमेंट ही तो प्रूफ है कि भैया मैं कितना कमाता हूँ। मुझे आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जितना मैं, क्या क्या मैं इतना कमाता हूँ कि क्या मैं आपकी EMIs को, इंस्टॉलमेंट को पे कर सकता हूँ कि नहीं पे कर सकता, क्या मैं आपके इंटरेस्ट को पे कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, क्या कि मैं ताकि मैं अपने लोन जो मैंने आपको लिया, जो मैंने आपसे लिया है, उसको मैं प्रॉपरली पे कर सकूं। इज दिस क्लियर? तो एज अ बैंक आप क्यों इंटरेस्टेड है मेरे अकाउंट में? ताकि अगर मैं आप लोगों से लोन लेता हूं तो मैं उसको ढंग से, कोलेटरल भी से जवाब है, मैं उसको क्या ढंग से पे बैक कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा। तो इसलिए बैंक इंटरेस्ट लेती है मेरे अकाउंटिंग में। बात करते हैं जरा सप्लायर्स की, ठीक है जी। सप्लायर्स कौन लोग होते हैं? जो एक ऑर्गेनाइजेशन को सामान सप्लाई करते हैं। दोस्तों फिर से मैं आपके सामने दो एग्जांपल्स रखूंगा, ठीक है जी। अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों, एक है श्रीनिवास, ठीक है, और एक है चावला। अब जो मेरे जूम वाले बच्चे हैं वो तो चावला को अच्छे से जानते हैं। यूट्यूब में अगर कोई बच्चा चावला को नहीं जानता है तो दोस्तों ये शालीमार गार्डन में एक बेकरी है और बहुत फेमस बेकरी है, ठीक है जी। तो एक है श्रीनिवास बेकरी और एक है चावला बेकरी, या आपके घर के आसपास कोई अगर बेहतरीन सी बेकरी है उसका एग्जाम्पल मान लो, ठीक है जी। एक श्रीनिवास की बेकरी और एक चावला की बेकरी। और दोस्तों आप लोग हो चॉकलेट सप्लायर, कि मतलब आप जो है बेकरीज में जाकर चॉकलेट सप्लाई करते हो। आप क्या करते हो? बेकरीज में जाकर चॉकलेट सप्लाई करते हो। और आपके सामने एक कंडीशन आ गई, कंडीशन ये आई है कि या तो आप अपने चॉकलेट को सप्लाई कर सकते हो श्रीनिवास को, या तो आप अपने चॉकलेट सप्लाई कर सकते हो चावला को। एक बात समझे जरा, ये जो बेकरी जो चल रही है ये बहुत प्रॉफिट्स कमाती है और ये कम से कम 20 या 25 इयर्स से ऑपरेट कर रही है। और मैंने ये जो अपनी बेकरी स्टार्ट करी है इसको सिर्फ 5 डेज हुए हैं, मेरी बेकरी सिर्फ भाई 5 दिन से चल रही है बस, ठीक है। आप बताइए एज अ सप्लायर आप लोग चॉकलेट किसे सप्लाई करना प्रेफर करेंगे? आप लोग चावला को प्रेफर करोगे या मुझे? अरे भाई हर बच्चा चावला कह रहा है दोस्तों, मुंह पे बेइज्जती कर रहे हो आप लोग तो। खैर कोई बात नहीं, मैं ये अच्छा लग रहा है मुझे कि आप लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि भाई हमें बिजनेस में रिलेशंस नहीं संभालने हैं। हमें बिजनेस में क्या संभालना है कि भाई कौन आपको प्रॉफिट्स दे सकता है, ठीक है जी। बेटे सॉरी की जरूरत नहीं है, मैं भी मजाक ही कर रहा हूं और मेरी कोई कन्फेशनरी भी नहीं है, ठीक है जी। तो आप इसको नहीं दोगे और आप चावला को ही देंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो प्रॉफिट अच्छे से कमाता है, वो इतने साल से ऑपरेट कर रहा है, इतने साल से काम कर रहा है, तो भैया वो आपको चीजें ढंग से सप्लाई करेगा। इज दिस क्लियर दोस्तों? एक्सीलेंट। तो एज अ सप्लायर इसलिए कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं दोस्तों, ठीक है आगे बढ़े। चलिए अच्छा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जरा बात करते हैं कस्टमर्स की। अब मान लेते हैं दोस्तों, जैसे मतलब बोलना तो चाहिए आप लोग तो सब मेरे भाई बहन जैसे ही हो, लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग मेरे कस्टमर्स हैं, ठीक है जी। आप जो स्टूडेंट्स हो आप लोग फिलहाल के लिए, मैं 2 मिनट की अगर बात करूं तो आप लोग मेरे कस्टमर्स हैं, ठीक है जी। तो मैं फिर से अपना और चावला का ही एग्जाम्पल लूंगा कि हम लोग जो हैं, जैसे श्रीनिवास सर जो है उनको भाई साहब 10 ईयर्स हो गए हैं पढ़ाते हुए, ठीक है जी। और चावला वालों ने भी लेट से कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर लिया, ठीक है, और चावला वालों को कोचिंग सेंटर स्टार्ट करके हुए हैं 10 डेज, ठीक है। एज अ कस्टमर आप लोग किसके पास जाना पसंद करेंगे? एक ऐसा इंसान जो 10 साल से काम कर रहा है, या एक ऐसा इंसान जो 10 दिन से? अरे वाह चलो यहां पर तो मेरा नाम आ गया, एक्सेलेंट आंसर। क्यों दोस्तों? क्योंकि आपको पता है कस्टमर्स भी क्यों अकाउंटिंग देखते हैं, वो इसलिए अकाउंटिंग देखते हैं ताकि ये पता चल जाए कि जिस बिजनेस के साथ, एक्सेलेंट एक्सेलेंट,
क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि भैया जिस एक बिजनेस के साथ हम जुड़ना चाह रहे हैं, क्या वो बिजनेस सरवाइव कर सकता है कि नहीं कर सकता, आप एज अ कस्टमर ये चीज देखते हैं। दोस्तों एक और अगर मैं एग्जांपल लूं, आप सभी ने बहुत सारे फेक प्रोडक्ट्स देखे होंगे, ठीक है जी। लेकिन आप लोगों ने जैसे बहुत सारे आप लोगों ने क्या एग्जाम्पल लूं मैं, हाँ जैसे कि अगर मैं अंकल चिप्स लेज वगैरह की बात करूं, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग अंकल चिप्स या लेज ही खरीदते हैं, लेकिन उसके सामने कुछ बेकार ब्रांड्स के भी बिल्कुल सेम टाइप के पैकेट्स होते हैं, लेकिन आप लोग हमेशा लेज या अंकल चिप्स खरीदते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप एक ब्रांड खरीदेंगे तो उसके साथ आपको क्वालिटी भी मिलेगी और उसके साथ आपको सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी, प्रोडक्ट सेटिस्फैक्शन भी मिलेगी आपको। इज दिस क्लियर? तो इसलिए कस्टमर्स भी देखते हैं, वो भी अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड होते हैं। अगर मैं बात करूं रिसर्चर्स कौन होते हैं दोस्तों, कभी कभार रिसर्चर आप भी बन जाते हो। जैसे मान लेते हैं मैं आपके स्कूल का टीचर और मैं आपको बोल रहा हूं, चलो जी रिलायंस जो बिजनेस है उसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, रिलायंस जो एक बिजनेस है उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, ठीक है जी। तो आप लोग रिलायंस के सारे डिटेल्स को अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डालने की कोशिश करोगे, तो आप लोग रिलायंस के इनकम स्टेटमेंट को, आप लोग रिलायंस की अकाउंटिंग को भी तो आप अपने प्रोजेक्ट फाइल में डालने की कोशिश करोगे। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इवन यू आर इंटरेस्टेड इन टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, येस और नो? येस। तो दैट्स द पॉइंट, इवन रिसर्चर्स आर इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस। मैंने आपको बोल दिया दोस्तों ये जो बजाज है जो बाइक्स बनाती हैं, बजाज कंपनी का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, तो ऑब्वियसली बात है ना उसमें आप बताओगे कि ये कंपनी कितना प्रॉफिट कमाती है, ये कंपनी कितने टाइम से एग्जिस्ट कर रही है, कितने प्रॉफिट कमाती है, कितने बाइक्स बेचती है, तो आप भी तो उसके अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है दोस्तों। तो इवन रिसर्चर्स आर इंटरेस्टेड। इन्वेस्टर्स, तो दोस्तों आइए एक और सवाल मैं रखता हूं आपके सामने, इन्वेस्टर्स, ठीक है जी। और फिर से आपके सामने मैं दो कंपनीज के नाम रखूंगा, एक कंपनी का, और इमोशनल मत हो जाना, और जो भी आपके दिल को लगे सही जवाब है वही देना। एक कंपनी का नाम है श्रीनिवास लिमिटेड, जो कि मेरी कंपनी है, और एक कंपनी का नाम है रिलायंस लिमिटेड। एक कंपनी का नाम है श्रीनिवास लिमिटेड, एक कंपनी का नाम है रिलायंस लिमिटेड। आप लोगों के पास 1,00,000 रुपए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। भाइयों बहनों आप लोग कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे, श्रीनिवास लिमिटेड या रिलायंस लिमिटेड, बताइए दोस्तों। सब ने बोला रिलायंस। यूट्यूब जूम, मतलब नलायक को शर्म नहीं आती, मेरे सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। एनीवे, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, आप रिलायंस को ही प्रेफर करोगे क्योंकि आप लोगों ने उसके प्रॉफिट्स को देखा है। मेरे भाई आप लोगों ने उसके प्रॉफिट्स को देखा है, आपको पता है कि वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाती है और वो आगे जाकर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट वगैरह दे सकती है, बहुत ज्यादा डिविडेंड्स वगैरह दे सकती है, तो यस। अरे वाह, किसी एक बच्चे ने मेरा भी नाम लिख दिया, लेकिन दोस्त आपको मैं बता दूं आप जो है वो लुट जाओगे, क्योंकि रिलायंस में आपके प्रॉफिट्स आप ज्यादा कमा पाओगे, ठीक है जी। चलिए, तो एज अ इन्वेस्टर भी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं दोस्तों, परफेक्ट। एक और बात करते हैं जरा, पब्लिक, ठीक है जी। आप लोग बच्चों पब्लिक हो, और मुझे नहीं पता फिलहाल कि आप लोग हिंदुस्तान के कौन से कोने में हो, लेकिन आपके सामने मैं दो एग्जाम्पल रखना चाहूंगा या एक ही एग्जाम्पल रखना चाहूंगा। आप बताना कि आप लोग अपने आसपास, घर के आसपास क्या चाहते हैं, आप लोग अपने घर के आसपास किस टाइप का रेस्टोरेंट चाहते हैं, ठीक है जी। एक एग्जांपल इज हल्दीराम्स, ठीक है, और एक एग्जांपल इज लेट्स टेक एनी एग्जांपल पप्पू रेस्टोरेंट, या कुछ भी, कोई सा भी एक लोकल सा रेस्टोरेंट। आप अपने सोसाइटी के आसपास, आप अपने सोसाइटी में किस टाइप का चाहते हैं, ऑब्वियस सी बात है, वेरी गुड आंसर, ऑब्वियस सी बात है आप लोग हल्दीराम्स जैसा ही चाहते होंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो बहुत बड़ा ब्रांड है, और अगर वो आपके सोसाइटी में आएगा तो आपके सोसाइटी में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, और आपके सोसाइटी में अच्छा गुड क्वालिटी ऑफ फूड भी आएगा, और सोसाइटी ओवरऑल जो है वो हल्दीराम्स के कारण सोसाइटी भी आपकी डेवलप हो जाएगी, आपका एरिया भी डेवलप हो जाएगा,
ठीक है जी। एंड यस ऑब्वियसली बात है, फेक प्रोडक्ट्स भी आप ज़्यादा नहीं करेंगे। तो वेरी गुड आंसर। तो पब्लिक भी हमारे अकाउंटिंग में इंटरेस्ट लेती है, इज दिस क्लियर दोस्तों? तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो भी मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं, उस नोट्स को एक बार हम लोग चलते हैं ज़रा पेज नंबर 3 और 4 में। तो यहाँ पर इंटरनल यूजर्स में थे बेटे, ओनर्स मैंने आपको बता दिया है, मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया है, एम्प्लॉयज़ का मैंने आपको बता दिया है। एक्सटर्नल यूजर्स की अगर बात करी जाए तो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मैंने आपको बता दिए हैं, इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स यस वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद है क्रेडिटर्स। दोस्तों क्रेडिटर्स या सप्लायर्स एक ही बात होती है, ठीक है जी, क्रेडिटर्स या सप्लायर्स एक ही बात होती है, तो आप टेंशन ना लीजिएगा। आगे जाकर सेकंड चैप्टर में हम लोग इस क्रेडिटर वर्ड को और एनालाइज करेंगे, ठीक है जी। लेकिन फिलहाल के लिए क्रेडिटर इन्वेस्टमेंट एक ही बात है। अगला है मेरे पास गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज। इट्स अथॉरिटीज का मतलब फॉर एग्जांपल टैक्स अथॉरिटीज हुए या फिर कोई दूसरे रेगुलेटरी अथॉरिटीज हुए, तो गवर्नमेंट का मतलब अथॉरिटीज एक ही बात है। रिसर्चर्स मैंने आपको बता दिया, कंज्यूमर्स मैंने आप लोगों को बता दिया है, और लास्ट हमारे पास है पब्लिक, ठीक है जी। पब्लिक भी मैंने आपको बता दिया कि पब्लिक भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को चूज करना चाहेगी जो प्रॉफिट्स वगैरह ज्यादा कमा रहे हो, ताकि अल्टीमेटली वो जो एरिया है वो आपका डेवलप हो। इज दिस क्लियर दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप में से कुछ एक बच्चों के दोस्तों ने बेटे साइंस ले रखी होगी, ठीक है जी, कुछ एक बच्चों ने साइंस ले रखी होगी, और आप बच्चों को भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि साइंस में 3 ब्रांचेस होते हैं। सर यार अचानक से साइंस में कहाँ से आ गए? अरे भाई क्लास में जो बता रहा हूँ मैं वो इम्पोर्टेंट है, किसी ना किसी तरीके से इम्पोर्टेंट है। तो सभी बच्चों को पता होगा 3 ब्रांचेस होते हैं। एक होता है हमारे पास फिजिक्स, एक होता है हमारे पास केमिस्ट्री, और एक होती है हमारे पास बायोलॉजी। यही होता है, ये तो आप सभी को भी, ये तो आप सबको भी पता था कि एक होता है हमारे पास फिजिक्स, एक होती है हमारे पास केमिस्ट्री, और एक होती है हमारे पास बायोलॉजी। फिजिक्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक स्टडीज होती है, देखिए ज़्यादा तो नहीं आता मुझे भी, लेकिन फिजिक्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक स्टडीज होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप हीट की बात करो, मोशन की बात करो, ग्रेविटी की बात करो, तो वो सब फिजिक्स के अंदर आता है। केमिस्ट्री के अंदर कुछ केमिकल से रिलेटेड, अगर आप किसी केमिकल में कुछ डाल दो, किसी केमिकल में कुछ डाल दो तो कुछ और बन जाता है, वो सारी चीज़ें केमिस्ट्री में आती हैं। और बायोलॉजी में आता है फ्लोरा और फौना के बारे में, मतलब ह्यूमंस के बारे में, प्लांट्स के बारे में जब आप पढ़ाई करते हो तो वो आपके बायोलॉजी में आता है, राइट? ऐसा ही होता है बच्चों, विश्वास करोगे हमारे अकाउंट्स में भी कुछ ऐसा ही है। है सर ऐसा है? हाँ बेटे, अकाउंट्स में भी आपके पास 3 ब्रांचेज हैं, ठीक है जी, और आप लोग को इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। हमारे पास यहाँ पर भी 3 ब्रांचेज हैं। सबसे पहला है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंट, और इस चीज़ को ध्यान से समझना, सबसे पहला है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दोस्तों फाइनेंशियल अकाउंटिंग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाली अकाउंटिंग होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब देखिए, जब आप लोग अपने दोस्तों के साथ कभी अगर जाओ घूमने फिरने अगर जाओ, तो आप दोस्त लोग बजट्स बनाते हो ना कभी कभार, बजट कि भाई देख कुल मिला के 1000 रुपये होंगे और 1000 रुपये लगेंगे आने जाने में, ठीक है जी, या फिर टोटल 1000 रुपये का होगा, आने जाने में कुछ पैसे लगेंगे, हम मूवी के लिए जाएंगे तो कुछ पैसे लगेंगे, हम लोग खाना पीना खाएंगे तो कुछ पैसे लगेंगे, और फिर आप लोग प्लस करते हो, मान लेते हैं खर्चा आ गया 2000 रुपये का, और आप 5 दोस्त हो तो 2000 डिवाइडेड बाय 5 400 रुपए तक, तो ये जो भी आप जो छोटी मोटी सी अकाउंटिंग कर रहे हो वो होता है दोस्तों फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है जी। जैसे कि आप लोग मुझे फीस दोगे, तो आप लोग भी अभी तो चलो फ्री क्लास चल रही है, लेकिन आप लोग अगर फ्यूचर में अगर आप लोग जब मुझे फीस देंगे तो मैं भी इसको रिकॉर्ड करूंगा ना, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा। तो ये क्या है, ये जो रिकॉर्डिंग वाला कॉन्सेप्ट है, ये क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आप भी जब खर्चा वगैरह करते हो और अगर आप उसको रिकॉर्ड करो, ये क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब होता है जब भी मैं चीजों को रिकॉर्ड करता हूं उसे हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्लियर है दोस्तों? तो पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो डील करता है रिकॉर्डिंग के साथ, रिकॉर्डिंग के साथ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स विद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस।
इन द डे टू डे मैनर, ठीक है जी। जब आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो डे टू डे मैनर पे, उसको फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग कहते हैं और फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। और दोस्तों, जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास 80% पढ़ाई आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ही है। क्लास 11th में, 12th में और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में आपके को सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग मिलेगी। सेकेंड और थर्ड ईयर में जाके आपकी कुछ और अकाउंटिंग स्टार्ट होगी, लेकिन इनिशियल फेजेस में इट इज़ ओनली फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है जी। तो अगर रिपीट करना मेरे साथ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन सी अकाउंटिंग होती है? दैट डील्स विद डे टू डे ट्रांजैक्शंस। बोलो भाई एवरीवन, यूट्यूब या जूम, हर कोई, क्या होती है? डे टू डे अकाउंटिंग। इज दिस क्लियर दोस्तों? तो ऑल द अकाउंटिंग दैट इज डन ऑन डे टू डे पर्पस इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इज दिस क्लियर? अगली मेरे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद मेरे पास आती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग दोस्तों, अच्छा जी, सरकार कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, आइए जरा ध्यान से समझते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। सुनिए जरा दोस्तों, आप लोग हर कोई बच्चा जो है वो ऑब्वियसली बात है मैकडोनल्ड्स तो गया हुआ है। अब मैकडोनल्ड्स में क्या होता है कि आपके पास एक आलू टिक्की बर्गर होता है जो तकरीबन 25 रुपए का है, आपके पास मैकवेजी है जो मुझे नहीं पता वैसे कितने का, शायद 60-70 रुपए का है, आपके पास एक महाराजा बर्गर भी होता है जो शायद 125 रुपए का है, ऐसे ऐसे है। तो एक बात बताओ, ये मैकडोनल्ड्स वाले क्या करते हैं? मैकडोनल्ड्स वालों ने क्या पर्ची उछाली होगी कि अच्छा जी 25 रुपए आ गया तो चलो चलो ठीक है भैया आलू टिक्की को 25 रुपए का कर देते हैं, मैकवेजी में 60 रुपए आ गए तो चलो मैकवेजी को 60 रुपए का रख देते हैं? तो उन्होंने क्या पर्ची उछाले होंगे? नहीं दोस्तों, उन्होंने क्या करा, उन्होंने सबकी कॉस्ट कैलकुलेट करी है। इज दिस क्लियर? उन्होंने हर कि उस प्रोडक्ट में कितना कॉस्ट इनकर किया गया है, हर एक प्रोडक्ट की उन्होंने कॉस्टिंग की और फिर उसके हिसाब से उन्होंने प्राइजेस डिसाइड करे हैं दोस्तों। जैसे कि आप कोई कन्फेक्शनरी की दुकान में जाएं तो वहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल आपको पेस्ट्री रखी हुई है, तो वहाँ पर एक कोई पेस्ट्री होती है जिसमें एक लेयर ऑफ चॉकलेट है, तो उसमें क्या होता है उसकी कीमत कम होती है, लेकिन अगर उसी में दो लेयर ऑफ चॉकलेट्स अगर हो गए तो उसकी कीमत ज़्यादा हो जाती है, तीन लेयर ऑफ चॉकलेट है तो उसकी कीमत और ज़्यादा हो जाती है। तो ये जो अलग अलग कीमत कैसे डिसाइड किया जाता है? कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू डिसाइड किया जाता है दोस्तों। Is this clear? तो आपको समझना है कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज की जो कॉस्ट को जैसे आप लोग डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, उसे हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के अंडर कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मान लेते हैं कि मेरी जो फीस है पूरे साल की वो है 10,000 रुपीस, तो भैया मैंने ऐसी तो ना रैंडमली 10,000 बोल दिया होगा, मैंने कुछ कॉस्टिंग करी होगी, तो उस प्रोसेस को कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है जी। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या? कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप जिस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं उसे कहते हैं हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग। और तीसरे नंबर पे आपके पास होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और दोस्तों, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग को, ध्यान से समझिएगा। एक आपके पास है कंपनी ए और एक आपके पास है कंपनी बी, या फिर चलो आपके पास एक है ब्रांच ए और एक है आपके पास ब्रांच बी। आप कहीं के मैनेजर हो और आपके पास दो ब्रांचेस हैं, ब्रांच ए और ब्रांच बी। ब्रांच ए में आपके प्रॉफिट्स हो रहे हैं और ब्रांच बी में आपके लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है जी। ब्रांच ए में प्रॉफिट हो रहे हैं और ब्रांच बी में लॉसेस हो रहे हैं। आप एज अ मैनेजमेंट, आप लोग डिसाइड करते हो कि चल यार इनमें से कोई एक ब्रांच हम लोग बंद कर देते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपके पास दो ब्रांच हैं ए और बी, ए ब्रांच प्रॉफिट कमाता है और बी ब्रांच में लॉसेस हैं। आप एज अ मैनेजमेंट सोचते हैं कि यार इसमें से एक ब्रांच को बंद कर दिया जाए, आप लोग कौन सा ब्रांच बंद करोगे दोस्तों, ए या बी? और तुरंत ही इतने सारे बच्चों का जवाब आ गया, एक्सलेंट, परफेक्ट, परफेक्ट आंसर। ऑब्वियसली बात है आप लोग बी को बंद कर दोगे, क्योंकि भाई ए प्रॉफिट कमा रहा है तो ए को ही आगे लेके चलो ना भाई, ए
वो क्यों बंद कर रहे हो? इज दिस क्लियर दोस्तों? तो यहां पर आप लोगों ने मैनेजरियल डिसीजंस लिए हैं, आप लोगों ने यहां पर डिसीजंस लिए हैं, दिस इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ऐसी अकाउंटिंग दोस्तों जहां पर आप लोग डिसीजंस लेते हैं उसे आप लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको एक भी चीज रटवाई नहीं जाएगी कि हाँ रट लो, ये होता है, ये होता है, ये होता। हम रट ही नहीं सकते साहब, ना मैं रट सकता हूँ ना मैं रटवा सकता हूँ। ठीक है जी, हम लोग हर चीज को ध्यान से समझेंगे और चीजों की गहराई तक जाएंगे। ठीक है जी, क्लास इलेवेंथ में अच्छे से हम लोग बेस तैयार करेंगे और अच्छी बात है हमें काफी ज्यादा टाइम मिल गया है ढंग से बेस डेवलप करने के लिए। ठीक है जी, अच्छे से बेस डेवलप करेंगे ताकि भाई आगे जाके हमें कभी जिंदगी में कोई दिक्कत ही ना हो अकाउंट्स में या फिर कॉमर्स में। ठीक है जी, तो ये तीन चीजें होती है हमारे पास, फाइनेंशियल कॉस्ट और मैनेजमेंट। तो अगर मैं आपको वन लाइनर दूं तो इन सभी के वन लाइनर्स क्या क्या हैं दोस्तों, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? द अकाउंटिंग दैट इज डन ऑन डे टू डे बेसिस। ठीक है, द अकाउंटिंग दैट इज डन ऑन डे टू डे बेसिस, फॉर एग्जांपल जो भी हम लोग खातेदारी करते हैं उसे हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। अगला आता है मेरे पास कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? दैट डील्स विद कॉस्टिंग ऑफ, क्या, कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जिसने भी गुड्स एंड सर्विसेज को की कॉस्टिंग डिसाइड कर रखी है वो क्या होता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। एंड लास्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? दैट डील्स विद द डिसीजन मेकिंग पर्पसेस। जो अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग पर्पसेस में जो हेल्प करता है दोस्तों उसे हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। ये दोनों आप लोग अपने ग्रेजुएशन के सेकेंड एंड थर्ड ईयर में पढ़ेंगे ये दोनों अकाउंटिंग। फर्स्ट ईयर इलेवेंथ और ट्वेल्थ में आप लोग सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही पढ़ोगे और बहुत मज़ेदार है दोस्तों ये भी। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता रखी है। मुझे पता है दोस्तों कि हम लोग जो है क्लास को फिलहाल धीरे धीरे लेके जा रहे हैं। तीन क्लासेस में तो स्कूल वाले पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर देते हैं ये वाला। लेकिन दोस्तों आपको पता है हम लोग सिर्फ प्लेन रीडिंग नहीं मार रहे हैं, हम लोग सिर्फ रट्टा नहीं मार रहे कि चलो चलो भैया जल्दी से रीड करो और काम खत्म। हम लोग हर एक चीज़ की गहराई को समझ रहे हैं। ठीक है जी, तो अभी तक मैं बस ऑलमोस्ट टाइम खत्म हो चुका है, मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है? अकाउंटिंग की डेफिनेशन बोलो, अकाउंटिंग क्या थी? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। दूसरी क्लास में हम लोगों ने प्रोसेस पढ़ा था, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। फिर कम्युनिकेशन से हम लोगों ने रिलेट करा कि किस किस को कम्युनिकेट करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में थे कौन कौन? एम्प्लॉयज, ओनर, मैनेजमेंट। एक्सटर्नल में बहुत सारे लोग थे। और आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि हर एक जो यूजर है वो किस चीज के लिए अकाउंटिंग देखता है, और काफी अच्छी हम लोगों ने एनालिसिस करी। हमने क्या, आप लोगों ने काफी अच्छा जवाब दिया था दोस्तों। फिर हम लोग गए ब्रांचेस के तरफ। ब्रांचेस कौन कौन सी होती है? फाइनेंशियल, कॉस्ट और मैनेजमेंट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन सी होती है? द अकाउंटिंग दैट डील्स इन डे टू डे पर्पसेस, दैट डील्स विद डे टू डे पर्पस, द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन डे टू डे पर्पस इज कैटेगराइज्ड अंडर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, determination of costs of goods and services, and last is management accounting that helps us in decision making purposes। दोस्तों ठीक है, पक्का मैं मानता हूं कि ये सारी की सारी चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से एकदम अच्छे से आपको समझ आ गई है। अगली क्लास में हम लोग अपनी क्लास को थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे और दो क्लासेस में हम लोग अपना पूरा का पूरा फर्स्ट चैप्टर हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है जी, आज की क्लास में आप लोगों को पेज नंबर 5 तक जो है वो आपको पढ़ना है। बहुत कम होमवर्क है आज का, प्लीज ढंग से पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको कोई दिक्कत हो यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप अस।